हे गाइस, एनडीए लड़कियों के लिए जो एंट्री है उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, और एनडीए गर्ल भर्ती के लिए 2021 में या फिर 2022 में 2023 में जो फॉर्म भरेंगे वो कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, या साइंस वाले, या आर्ट्स वाले, या कॉमर्स वाले। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती, या फिर तीनों, या फिर यहाँ पर जो है नियम क्या चेंज हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। 10th और 12th कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, तो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ, और वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखेगा। वीडियो को 1000+ लाइक का टारगेट है और 100+ शेयर का टारगेट। जो भी चैनल पर आए हो नए, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लो, क्योंकि यहाँ पर जो है एनडीए से रिलेटेड सारा कुछ आपको मिलती रहेगी, जो कि स्टडी मटेरियल है और जो भी कोर्स है वो सारा कुछ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। गाइस, अगर आप एनडीए की तैयारी करो या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी करो, तो यहाँ पर जो है अनअकैडमी आपके लाया है बहुत ही बेस्ट यहाँ पर जो है ऑफर, जो कि यहाँ पर अनअकैडमी के लिए जो बहुत बहुत बढ़िया ऑफर यहाँ पर है। जो यहाँ पर बैचेज चल रहे हैं वो संकल्प 2.0, जो कि एनडीए 2021 के लिए क्रैश कोर्स है। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं। 8 सितंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच ये आपका जो चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर तेजस, जो कि एयरफोर्स बैच के लिए होने वाले, यहाँ पर जो 8 सितंबर 2021 से यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है, और यहाँ पर जो ऑफर चल रहा है, अगर 6 मंथ का ले तो 2 मंथ का फ्री में मिलेगा, अगर 24 मंथ का ले तो 4 मंथ का फ्री में मिलेगा, जो कि 6 से 9 सितंबर के बीच यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। लेकिन यही ऑफर जो है एक्सक्लूसिव ऑफर बन गया है, जो कि 12 मंथ का लेते हो तो यहाँ पर 12 मंथ का आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, जो कि 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच यहाँ पर चलेगी। आप 12 मंथ का लो, आपको 12 मंथ का जो है वो फ्री जो है सब्सक्रिप्शन SSB के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी ऑफर, तो यहाँ पर जाओ और 12 मंथ का यहाँ पर ले सकते हो, और 12 मंथ का चूज करना, नीचे हैवे रेफरल कोड में DFC10 डालना, ठीक है। यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, नीचे दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करें और वहाँ पर जाकर ले लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन है उनको डाउनलोड किया है, और 2021 के जो रिगार्डिंग है, 2022 में जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, 2021 के लास्ट तक में अगर एनडीए की जो वैकेंसी है वो आ सकती है तो वो अच्छी बात है, या फिर 2022 में जरूर आने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी के बारे में पहले हम आपको जो है सबसे पहले बता दें, ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है, एक NDA 1 के नाम से जानता है और एक NDA 2 के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। इस बार से यहाँ पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को मौका देने का जो निश्चित है वो कर लिया है, और उनको ऑर्डर दे दिया गया है, जो लड़कियां भी अब एनडीए में जा सकती है, वो भी साल में 2 बार फॉर्म भर सकती है। इनको मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया, और यहां पर अब बात करते हैं इनके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, ये तीनों जो है फॉर्म भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरेंगे तो ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है साइंस वाले भरेंगे, कौन कौन से पोस्ट के लिए आर्ट्स वाले, कौन कौन से पोस्ट वाले कॉमर्स वाले, ये आपको कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हैं, उन्हीं में आपको जो है पता चलेगा। यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि यहाँ पर मैं आपको पूरी जूम करके दिखा देता हूँ, हिंदी में भी लिखा गया है, कैसे डाउनलोड करना है अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिखा गया फॉर आर्मी विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि जो एनडीए के अंदर जाना चाहते हैं वो पासिंग सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 10th+2 आपके पास होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से हो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ पोस्ट के लिए जो जाना चाहते हैं, एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स, ये दोनों पोस्ट के लिए अगर जाना चाहते हैं एनडीए में, तो आपके पास जो होना चाहिए वो 10th+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, और या फिर 11th पास होना चाहिए। आप 12th में यानी कि अपियरिंग में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 12th में हो लेकिन 11th पास हो तब भी फॉर्म भर सकते हो। इनके अंदर कोई आपको जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारा का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप 12th पास हैं, अगर 12th कर रहे हैं, 11th पास हो चुके हैं, या फिर यहाँ पर जो है 12th में गए हैं और 11th पास करके, तो अपियरिंग हुआ वो, और अपियरिंग में जो है फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10th+2 चाहिए वो भी आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी आप एयरफोर्स और नेवल विंग्स के साथ साथ भर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बिना बायो वाले। अगर बायो लिए हैं तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायो वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया। अब बात करते हैं यहाँ पर, मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट जो है वो 11th क्लास में और अपियरिंग में है, तो वो NDA 1 और NDA 2 फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, दोज कैंडिडेट हु हैव फेल्ड INSB या फिर PABT जो यहाँ पर जो होती है कोर्स, उनके अंदर जो फेल्ड हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो एयरफोर्स के अंदर जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, जो कि एयरफोर्स पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर बात करें वे लोग कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग जो क्लास 12th एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन मस्ट सबमिट जो प्रूफ पासिंग एग्जाम बाय द डेड लाइन रिक्वेस्ट टू एग्जिट डेट नॉट बी एंटरटेनमेंट इंटेंट ऑन एनी ग्राउंड। वही कहने का मतलब, अगर आप 12th में हैं, 11th पास कर चुके हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी ऑल्सो नोटेड दैट द कैंडिडेट्स हु हैव बीन, जो यहाँ पर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रॉम होल्डिंग टाइप ऑफ कमीशन ऑफ द, यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जो है 12th पास हैं साइंस से,
कॉमर्स आर्ट्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी से एज लिमिट क्यों नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म नहीं आते। आर्ट्स वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं आती है, ना ही कॉमर्स वाले के लिए। जो साइंस वाले के लिए आती है फॉर्म वो एनडीए के अंदर, वो भी यहाँ पर जो है वो आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, मैंने बार बार बता दिया। एज लिमिट यहाँ पर देखते हैं, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 15.5 साल से 2 मंथ आगे होती है और 18 साल 7 मंथ, ठीक है। इस तरह से आपको एज लिमिट यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इसके बीच बिलोंग्स कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर चांस है आगे जो है फॉर्म आने वाली है तो भर सकते हैं, ठीक है। अभी से आप एनडीए की तैयारी में लग जाइए और पूरी डिटेल के साथ। एज लिमिट यहाँ पर जो है 2021 का ये एज लिमिट है और जो फॉर्म आई हुई थी उन्हीं का एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद जो आने वाली एज लिमिट है, एज लिमिट ये दोनों सेम रहेगी, जो कि 15 साल 7 मंथ और 18 साल 7 मंथ, ये दोनों के बीच सेम रहेगी, डेट जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस वीडियो को यहीं आपको बताने जा रहा था कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो मत करिए तैयारी, क्योंकि आप करना है तो आप नॉलेज के लिए कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया। और भी कोई जानकारी लेनी है इसके रिगार्डिंग, एनडीए गर्ल के रिगार्डिंग, तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस इसको डाउनलोड करने के लिए जो है आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जो डिफेंस स्टडी चैनल के टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, और वहाँ पर जुड़ जाइए, ये चीज़ मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पूरी डिटेल के साथ आपको खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बस आते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तो जय हिंद जय भारत।